हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे डीसी पंप सेट या डीसी सबमर्सिबल का बैरिंग चेंज करना। सबसे पहले हम इसके कवर को हटा देते हैं, उसके बाद इसमें जो भी ऑयल हो उसे हम वो निकाल लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हमारा ऑयल पूरी तरीके से निकल चुका है, फिर इसके बाद हम इसके चारों स्क्रू जो बॉडी से टाइट रहते उसे हटा के पुलर की मदद से इसे हम खींच लेंगे। खींचने के बाद ये हमारा अंदर का कनेक्शन है जिसे हम स्क्रू ड्राइवर से खोल के इसे भी हटा देंगे। ये काम हमारा बाद में होते रहेगा, फिर आसानी से होगा। अभी फ़िलहाल के लिए तो ये हट चुकी है। अब ये रहा हमारा मोटर, और इसी रोटर में हमें बेयरिंग चेंज करनी है। डीसी मोटर का वैसे कॉइल छोटा ही रहता है। जैसे हमारे पास सील थी, अभी हमारा मोटर आ चुका है सामने। अभी से रोटर को हमें बाहर निकालना होगा और हमें दोनों बैरिंग चेंज करनी है। ये हमारा रोटर बाहर आ चुका है। ये देखिए कितना छोटा सा मोटर रोटर होता है ये, वैसे मोटर भी छोटा ही होता है। अब ये हमने पुरानी बैरिंग को हटा दी है, अब इसमें हम नई बैरिंग को ऐड करेंगे। ये नई बैरिंग हमारी ऐड हो चुकी है, अच्छे से लगा चुके हैं, फिट कर चुके हैं। अब इसे हम जैसे खोले तो वापस से वैसे फिटिंग करेंगे। रोटर डाल दिया, सील डाल दिया, सब कुछ टाइट करके वापस से ढक्कन लगा के ऑयल वॉइल फिल करके हमारा मोटर रेडी हो जाएगा। यह है हमारा डीसी मोटर। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।